एक्शन। चलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सो भाइयों को मेरे ईद मुबारक। सुलेमान नगर डिवीजन डीआरएस लीडर की तरफ से आज ईद के मौके पर ये बोलना है, मेरे भाई कुर्बानी तो देने बहुत खुशी की बात है, मगर जो गलीजात रहता मेरे भाई जहाँ उलेमा फेंकते उससे बहुत लोगों को परेशानी होती, तकलीफ होती, वो मत फेंकिए। आप लोगों से गुजारिश है, आप जहाँ जहाँ भी कचरे के डब्बे रहते हैं, कचरा कुंडी रहती है, वहीं फेंकिए। और आप लोगों से यही गुजारिश है मेरे भाई, कुर्बानी के बाद लोगों को तकलीफ देना गलत बात है। कहीं भी गलीजात फेंक दे रहे आप लोग, बच्चों को मच्छरा हो रहे, उससे बच्चों को मच्छरा काट रहे, लोगों को बहुत परेशानी हो रही, तकलीफ हो रही, ये काम मत करिए। और मेरे भाई सब लोगों से गुजारिश यही है कि पूरी आवाम से तेलंगाना की कचरे के डब्बों में डालिए। आप लोग कुर्बानी दे रहे हैं वो कचरा लग जाके, जो भी गलीजात रहता वो कचरे के डब्बे में डालिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, सुलेमान नगर डिवीजन टीआरएस लीडर की तरफ से आप लोगों से ज्यादा गुजारिश करते हैं तेलंगाना की आवाम की तरफ से, तेलंगाना की आवाम के आज से आप लोग कचरे के डब्बे में कचरा फेंकिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद अफर अहमद है, हमारे शेख मोहम्मद भाई, हमारे मोहम्मद अख्तर भाई, हमारे शेख लाइक भाई, हम लोगों ने आज छोटा मोटा प्रोग्राम किया है, जिसे रोड पर लोगों ने कचरा डाल रहे थे वहां से हम लोग हटाया है, हटा के अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग पब्लिक से यही बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग रोडों पे ऐसा मत डाल दीजिए, कुर्बानी दीजिए, सीधा कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। गवर्नमेंट ने सब सेफ्टी दी है, आप गवर्नमेंट से फायदा उठाइए। आप रोडों पे डालने से क्या है, बच्चे उसको पूरा गलीजात करते हैं और उससे क्या है, मच्छर पैदा होता है। मच्छर पैदा होने से क्या है, अपने ही को ही तकलीफ होती है और दूसरे को किसी को नहीं होती है, रोड पे जाने वाले को भी तकलीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना अच्छा मजहब है, किसी को गैर जरूरी तकलीफ देने के लिए नहीं बोलता, इसलिए कि हम लोग रोडों पे गंदगी ना करिए। और हम हमारी टीम सुलेमान नगर इंचार्ज शेख बाबा की टीम है, हम लोग आप सभी को मोहम्मद खलील, मोहम्मद जफर अहमद, शेख मौजम, शेख अत्थर, शेख लही, इन सबको मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बुरा नहीं है, ठीक है।